सत्ता पक्ष का पंचनामा करने के लिए तैयार अखिलेश यादव। स्पेशल फॉर्मूला पंचनामा पर लगातार किया जा रहा है काम। अखिलेश की तरफ से अहम 5 मुद्दों पर बनी विशेष रणनीति। 2022 में ये 5 पहलू बनेंगे सियासत में अहम एक्स फैक्टर। सपा नेता अभी से फॉर्मूले को लागू करने की कर रहे हैं पूरी तैयारी। कौन कौन से अहम मुद्दे स्पेशल फॉर्मूला पंचनामा में है शामिल। 2022 चुनाव को लेकर बेहद गंभीरता से सपा कर रही तैयारी। उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़, दल बदल और सियासी रणनीति बनाने का दौर लगातार जारी है। आगामी विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने फायदे और नफा नुकसान को देखते हुए तैयारियों में जुटे हैं, जिसमें सपा के अंदर फॉर्मूले पर फॉर्मूले ईजाद किए जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार इतनी गलतियां कर बैठी है कि सपा के पास एक के बाद एक मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका है। ऐसे में अब सपा योगी सरकार का पंचनामा करने के लिए तैयार बैठी है और सपा की तरफ से स्पेशल फॉर्मूला पंचनामा तैयार किया गया है। सपा ने जो फॉर्मूला पंचनामा तैयार किया है उसमें सपा ने 5 अहम पहलुओं को शामिल किया है और सपा को यकीन ही नहीं भरोसा भी है कि अगर उसने इन 5 पहलुओं को बेहतरी से जनता के सामने पेश कर दिया तो फिर बीजेपी को हराना बेहद आसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 अहम पहलू हैं कौन से, तो देर न करते हुए एक एक कर हम आपको बताते हैं कि सपा ने स्पेशल फॉर्मूला पंचनामा में कौन कौन से पहलू शामिल किए हैं। पार्टी की एकता पर काम किया जा रहा है। जी हां, अखिलेश यादव को अच्छे से पता है कि 2014 से लेकर अब तक अगर बड़े चुनावों में सपा की हार की कोई वजह थी तो वो थी पार्टी की एकता का कमजोर होना। ऐसे में अब अखिलेश यादव रूठों को मनाने और जो रूठे नहीं हैं और रूठने के संकेत दे रहे हैं उन्हें साधने का काम कर रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। अखिलेश यादव अब चाचा को भी साथ लाने की कोशिशों में लगे हैं और इस मामले पर उन्होंने खुलकर बयान भी दिया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली दिख रही है, क्योंकि 2017 में सपा को हराने में बीजेपी इसलिए सफल हुई थी कि चाचा भतीजे अलग थे, लेकिन अब साथ आने के संकेत हैं तो बीजेपी को हार का डर सता रहा है। बीएसपी की आंतरिक कलह को वोट बैंक में बदलना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव होगा, तो ये संभव हो सकता है और इसको संभव करने के लिए सपा आलाकमान काम कर रहा है। बीएसपी और सपा का वोट बैंक कुछ हद तक एक जैसा ही है। ऐसे में सपा की कोशिश है कि बीएसपी की कमजोरी का एहसास जनता को करवाया जाए और जब जनता को बीएसपी की कमजोरी का एहसास होगा तो सपा के खाते में बीएसपी का वोट बैंक भी आएगा। लगातार बीएसपी नेताओं का सपा में एंट्री लेना इस कमजोरी को सही भी साबित कर रहा है। ठाकुरवाद वाली राजनीति से उठी बगावत को अपने पाले में करना। योगी आदित्यनाथ सरकार में ठाकुरवाद का आरोप लगता है और ब्राह्मणों के अलावा अन्य समुदायों की अनदेखी की बात कही जाती है। ऐसे में बीजेपी का कोर वोट अब बीजेपी से ही नाराज दिखता है, जिसमें बिकरू कांड की आग अब भी सुलग रही है। ऐसे में जितिन प्रसाद के सहारे बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश तो की है, लेकिन सपा फिर भी बीजेपी से आगे दिख रही है और बीजेपी की पकड़ कमजोर दिख रही है। काम बोलता है मॉडल के सहारे, सत्ता से सीधा सवाल। 2017 में सपा के प्रचार का अहम हिस्सा था काम बोलता है। हर प्रचार वाहन पर ये स्लोगन लिखा रहता था और गाना भी चलता रहता था। ऐसे में अब सपा मौजूदा सरकार से सवाल पूछेगी कि अपने अहम प्रोजेक्ट को बताइए, क्योंकि मौजूदा सरकार ने सपा की ही योजनाओं के फीते काटे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फीता काटने वाली इस सरकार से काम बोलता है किनारे के साथ सीधा सवाल करेंगे और जनता के सामने विकास के खोखले दावों की पोल खोलने का काम करेंगे, ऐसा सपा नेताओं का कहना है। कोरोना की बदहाली को उजागर करना और खुद की ताकत पर काम करना। अखिलेश यादव कोरोना काल में फैली बदहाली को पुरजोर तरीके से जनता के सामने लाने का प्लान बना चुके हैं और सपा की पूरी कोशिश है कि कोरोना का जख्म नासूर बनाया जाए, ताकि सरकार की लापरवाही ने आवाम को जो जख्म दिए हैं उनका हिसाब पूरा किया जा सके। इसके अलावा अब की बार अखिलेश यादव अपनी ताकत का विस्तार कर रहे हैं और हर हाल में खुद की मजबूती पर फोकस दे रहे हैं। वो बड़े दलों से गठबंधन करके सपा को कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव सपा को सत्ता में बैठाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए लगातार कोशिशें छोटे दलों को साथ लाने की हैं।
अखिलेश यादव अब इन पांच पहलुओं के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। साथ ही लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकर काम भी कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकों का दौर जारी है, वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी की जा रही है। रणनीतियों को कैसे सफल बनाना है इस पर काम किया जा रहा है और कैसे रणनीति को बेहतरी के साथ आगे बढ़ाना है इसकी भी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। अब देखना ये है कि ये सब माथापच्ची सपा के पक्ष में कितना बेहतरी से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।